हाय, मैं हूँ अमृताम और आज मैं काफी मजेदार मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मिशन टू मार्स। इसके लिए ना मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड पता नहीं मैंने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पहले ही क्यों नहीं किया, क्योंकि मूवी बहुत ही मस्त है। सो मूवी शुरू होती है एक फेयरवेल पार्टी से जिसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट थे। इसी में हम ल्यूक को भी देखते हैं। ल्यूक के साथ साथ उसका दोस्त जिम, फिल, वूडी और वूडी की पत्नी टेरी, ये सभी एस्ट्रोनॉट होते हैं। ल्यूक कुछ ही दिनों के बाद मार्स पे रवाना होने वाला था, तो जिम, वूडी, फिल और टोरी ये उसकी मदद करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रवाना होने वाले थे। ये पांचों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। इस मार्स के मिशन में सबसे पहले तो जिम और उसकी पत्नी मैगी जाने वाली थी, लेकिन मैगी की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए जिम इस मिशन से पीछे हट जाता है ताकि वो अपने पत्नी का ख्याल रखे। और कुछ ही दिनों के बाद मैगी गुजर जाती है। जिम का मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण ये मिशन ल्यूक को दिया जाता है। ल्यूक और उसकी एक अलग टीम थी और ये लोग मार्स के लिए रवाना होते हैं और 6 महीनों के बाद इनकी टीम मार्स तक पहुंच जाती है। और रिसर्च के दरमियान इन्हें मार्स के साइडोनिया इस जगह पे सफेद कलर के काफी अजीब आकार दिखाई देते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये शायद बर्फ होगी, लेकिन इस एनवायरनमेंट में बर्फ होना पॉसिबल नहीं था। और ये सारी जानकारी वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजते हैं अपने बाकी साथियों को। ISS में जिम, फिल, वूडी, टेरी ऐसे काफी उसके दोस्त थे। जिस दिन मैसेज जाने वाला था उस दिन जिम का बर्थडे था, तो ल्यूक और उसकी टीम उसके बर्थडे का विश उसे करते हैं और आगे वो जगह इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। ल्यूक की टीम उस जगह पे पहुंचती है तो उन्हें वहाँ पे एक धीमी आवाज सुनाई देती है और अपने रडार से वो लोग एक सिग्नल उस सफेद पत्थर पे डालते हैं, लेकिन ये सिग्नल जाने के कारण अचानक से डिवाइस काम करना बंद हो जाता है। कई देर तक वहाँ पे पूरी शांति होती है और अचानक से काफी भारी तूफान आने लगता है। देखते ही देखते आसपास के सारे पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं और दोस्तों ये तूफान बहुत ही बड़े पहाड़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये चारों लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अचानक से ये क्या हुआ, लेकिन दोस्तों तभी इस तूफान के पहाड़ से एक सांप जैसा बवंडर बाहर आता है और बहुत ही भयानक आवाज आने लगती है। उससे काफी बड़े बड़े पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं। इसी में का एक पत्थर रिनी को लगता है और वो बिचारी वहीं पे मारी जाती है। उसे देखने के लिए ल्यूक चला जाता है, तो दूसरे जो एस्ट्रोनॉट जो आगे खड़े हुए थे वो ये सब कुछ देख भागने लगते हैं, लेकिन वो सांप जैसा बवंडर मानो इनके पीछे ही पड़ जाता है और इन दोनों को अपने अंदर खींचने लगता है। उनमें से एक इस बवंडर के अंदर चला जाता है तो दूसरा भागते हुए उड़ने लगता है। कैसे तैसे वो भाग रहा था, लेकिन वो बेचारा तूफान की चपेट में आ जाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरे पल में ये तूफान पूरी तरीके से शांत हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जो सफेद पत्थर दिख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक इंसानी एलियन का फेस था। तूफान के बाद ल्यूक की हालत कैसी थी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस तूफान के कारण बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी जिसमें ISS के साथ क्रू का कॉन्टेक्ट टूट जाता है। उन्हें मार्स पे क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था। उनके सिग्नल से पता लगता है कि मंगल ग्रह पे तूफान आया था जिसमें शायद उनका क्रू मारा गया है। ये सुनके सब लोग परेशान हो जाते हैं, खास करके जिम, फिल, वूडी एंड टेरी, क्योंकि उनका दोस्त उनके साथ नहीं था। लेकिन ये लोग जब अपने दूसरे सैटेलाइट को कनेक्ट करते हैं तब उन्हें ल्यूक का एक विपत्तिजनक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि एक खतरनाक तूफान ने उसके साथियों को मार डाला है, उसकी खुद की हालत भी काफी खराब है, और रोते हुए उसका मैसेज डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इसीलिए ये चारों भी उसका रेस्क्यू मिशन प्लान करने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं था जब तक ये मैसेज इनको डिलीवर हो रहा है तब तक ल्यूक वहाँ पे जिंदा भी है या नहीं, और इनके रेस्क्यू मिशन के लिए 6 महीने लगने वाले थे। इसीलिए रे यानी कि उनका हेड इस मिशन के लिए मना करता है क्योंकि तब तक ल्यूक शायद जिंदा भी ना बचे। लेकिन फिर ये चारों भी रे को काफी समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट एंड एनालाइज करने के बाद रे इस मिशन के लिए राजी होता है और ये चार लोग ल्यूक को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सफर के दौरान एक दिन फिल अपने M&M से एक DNA का मॉडल बनाता है और जिम को कहता है कि ये मेरे होने वाले गर्लफ्रेंड का DNA का मॉडल है। जिम हंसते हुए उनमें से कुछ M&M खाता है और वो DNA का स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण फिल नाराज हो जाता है उस पे। अब देखते ही देखते समय बीतता जाता है और इन्हें अब मार्स पे लैंड होने के लिए बस एक दिन बाकी था। ये लोग अभी मार्स पे लैंडिंग का सिमुलेशन शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही सिमुलेशन ऑन करते हैं अचानक से शिप के आसपास छोटे मेट्रोइड घूम रहे थे, वो जोरों से शिप से टकरा के अंदर चले आते हैं और एक मेट्रोइड फिल के हाथ पे लगता है और उसके हाथ से खून आने लगता है, यानी कि अब इनके शिप में होल पड़ गए थे जिसके कारण शिप डीप्रेशराइज होने लगती है, यानी कि शिप का ऑक्सीजन बाहर स्पेस में जाने लगता है। इनके पास बस 4 मिनट थे ये होल फिक्स करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल वापस ऊपर लाने के लिए। फिल के हाथ से जो खून निकला था वो एक दिशा में जा रहा था और वहीं पे पहला होल था। उड़ी उस होल को बंद करता है तो दूसरा होल
शिप के नीचे के हिस्से में था और वहाँ से फिक्स करना बहुत ही कठिन था, इसीलिए वूडी शिप के बाहर चला जाता है। जिम उसकी मदद करने के लिए शिप के नीचे के हिस्से में चला जाता है, तो फिल शिप की एनर्जी बचाने के लिए पूरे सिस्टम को हार्ड बूट करने के लिए जाता है। देखते देखते ऑक्सीजन 30% पे आ जाता है, जिसके कारण जिम बेहोश होने लगता है। बाहर वूडी को एग्जैक्टली होल कहाँ है वो समझ नहीं आता और वो जिम की मदद मांगने लगता है। उसी दरमियान टोरी भी जिम के लिए ऑक्सीजन मास्क लेके आती है नीचे के हिस्से में। वो जब ऊपर थी तो जिम उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और उसको एक ड्रिंक का पाउच देते हुए कहता है कि इसके ड्रिंक को हवा में उछालो। वो वैसे ही करती है। जैसे ही ड्रिंक बाहर आता है, उसकी बूंदे जहाँ पे होल है उसी दिशा में जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं से सारा ऑक्सीजन शिप के बाहर जा रहा था। और वो ड्रिंक जैसे ही बाहर चला जाता है, फ्रीजिंग एनवायरमेंट के कारण वो बर्फ बन जाता है और वूडी को होल कहाँ है वो दिखाई देता है और वो जाके वो होल को बंद कर देता है और अंदर आता है। सिस्टम क्रिटिकल से बाहर आता है, लेकिन हम देखते हैं उन छोटे मेट्रॉइड के कारण जो बाहर फ्यूल पाइप था उसका काफी नुकसान हुआ था और इस बात से ये लोग अनजान थे। अब इनका मार्स में लैंडिंग करने का समय आ गया था। वूडी फ्यूल सिस्टम अप करने के लिए जाता है, लेकिन पाइप का नुकसान होने के कारण सारा फ्यूल बाहर आने लगता है और एनवायरमेंट में फ्रीज होके शिप के आसपास तैरने लगता है। जैसे ही जिम इंजन को इग्नाइट करता है, आसपास के फ्यूल में आग लगने के कारण शिप के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें इनका इंजन भी टूट के अलग हो जाता है। अब ये लोग मार्स पे खींचे चले जाते हैं और कभी भी ये लोग क्रैश लैंड करने वाले थे। तभी जिम को याद आता है नासा ने सालों पहले रिसप्लाई मॉड्यूल मार्स पे भेजा था, उसके मदद से वो शिप लिंक करके लैंड करने का सोचते हैं, लेकिन रिसप्लाई मॉड्यूल काफी दूर था। इसीलिए बूढ़ी के कहने पर सब लोग रेडी होते हैं और शिप के बाहर आ जाते हैं। उन्हें रिसप्लाई मॉड्यूल दिखता है, लेकिन वो काफी दूर था, तो बूढ़ी खुद को स्पेस में लॉन्च करता है और एक वायर के जरिए रिसप्लाई मॉड्यूल को वो डॉक करता है, लेकिन उसका खुद का स्पीड ज्यादा होने के कारण वो खुद को रोक नहीं पाता और काफी दूर चला जाता है। अब सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बूढ़ी को कैसे बचाएं। सबसे पहले तो ये तीनों भी उसी वायर के सहारे रिसप्लाई मॉड्यूल को खुद को डॉक करते हैं, तो यहाँ पे बूढ़ी काफी दूर जाने लगता है। ये देख के उसकी पत्नी टेरी उसे बचाने के लिए जाती है। बूढ़ी टेरी को अपने पास आने से मना करता है, क्योंकि टेरी के सूट में इतना फ्यूल नहीं था कि वो बूढ़ी को बचा सके। वो बीच में ही रुकती है और उसी वायर के जरिए बूढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वायर कुछ ही फीट पहले ही खत्म हो जाता है। ये देख टेरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टेरी फिर भी उसे बचाने के लिए आगे आने लगती है। ये देख अपनी पत्नी को बचाने के लिए वूडी अपना हेलमेट निकाल देता है और वो फ्रीज होके मारा जाता है। अब ये देख के इमोशनल टेरी काफी रोने लगती है और वो वापस रिसप्लाई मॉड्यूल तक आ जाती है और ये लोग मार्स में लैंड करते हैं उसके जरिए। अब ये लोग बेस कैंप तक कैसे तैसे चले जाते हैं, लेकिन वो पूरा खाली पड़ा था। जिस क्राफ्ट से लूफ आया था उसे टेरी आते ही रिपेयर करने लगती है। जिम शिप के अंदर जाता है और चीजें देखने लगता है। हैरानी की बात ये थी कि शिप के अंदर अभी भी ऑक्सीजन था। उसे आगे ग्रीन हाउस दिखाई देता है जो कि फुल्ली फंक्शनल था और वहाँ पे पानी भी था। वो किसी के आहट सुनता है, मानो उसे कोई मारने के लिए आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ल्यूक था। ल्यूक काफी डरा हुआ था और वो जिम पे हमला करने लगता है, क्योंकि ल्यूक को लग रहा था कि ये उसका वहम है, लेकिन फिल आके उसे बचाता है। और ल्यूक सारे मेंबर्स को देखता है, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसे बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन भेजा गया था। और उसे बूढ़ी के बारे में बताते हैं तो वो काफी दुखी हो जाता है कि उसकी जान बचाने के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान गंवाई है। अब ये सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं और लोग उन्हें उस फेस की इमेजेस और उससे आने वाली आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो आगे बताता है ये साउंड तीन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जब इन तीनों अलग अलग ब्लॉक्स को ल्यूक ने मिलाया तो उसे एक डीएनए सैंपल मिला जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन इस डीएनए सैंपल में क्रोमोसोम्स का लास्ट पेयर मिसिंग था। तो फिल कहता है कि हाँ, ये तो ऑलमोस्ट इंसानों की तरह ही हुआ। तो टेरी उसे रोकते हुए कहती है नहीं, एप्स चिंपांजी और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 3% का ही डिफरेंस होता है, फिर भी इंसान उनसे कहीं ज्यादा आगे है। और यहाँ पे तो एक क्रोमोसोम का पेयर मिसिंग है, यानी ये जो भी कोई स्पीशीज है वो इंसान नहीं हो सकती। ल्यूक ने आगे कहता है कि दरअसल ये डीएनए उस स्पीशीज का सिग्नेचर है, यानी कि यहाँ अंतरिक्ष में एक अलग स्पीशीज यानी एलियन होने की आशंका थी। ये अद्भुत खोज देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जिम को फिल के साथ वो डीएनए का जो किस्सा हुआ था वो याद आता है और वो कहता है कि वो डीएनए किसी फेस की सिग्नेचर नहीं है, बल्कि ये एक पहेली है हमारे लिए। उस मिसिंग क्रोमोसोम को ढूंढना है और ये सही जवाब सिग्नल के जरिए हमें वापस उस फेस पे ब्रॉडकास्ट करना है। ल्यूक की टीम ने रडार के थ्रू कुछ सिग्नल फायर किए थे उस चेहरे पे। उस एलियन स्पीशीज ने उस रडार के सिग्नल को अपना जवाब समझ लिया, लेकिन वो जवाब गलत था, इसीलिए उन्हें वो थ्रेड लगा। उन्हें लगा उनके ऊपर हमला हो रहा है, इसीलिए
इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ल्यूक के टीम पे हमला किया था। इसी कंक्लूजन पे जिम पहुंचता है और अब सब लोग डीएनए के क्रोमोसोम का आखिरी पैर ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें जवाब मिल भी जाता है और उस जवाब को एक सिग्नल में ये लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने रोवर को सिग्नल के जरिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए सेंड करते हैं। जैसे ही रोवर उस फेस के नजदीक जाता है वो सिग्नल ट्रांसमिट करने लगता है और थोड़ी देर में फेस के एक साइड का डोर ओपन हो जाता है। अंदर एक अजीब ही सफेद रोशनी थी। अब इन लोगों को उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना था, इसीलिए जिम, टेरी और ल्यूक उस रोशनी की दिशा में जाने के लिए निकलते हैं। तो फील को ऑर्डर मिलती है कि 8 के करीब हम वापस आए या ना आए, उसे अर्थ के लिए वापस निकलना है। और ये लोग वहाँ निकलते हैं। देखते देखते ये तीनों भी उस सफेद रोशनी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं वो दरवाजा वापस बंद हो जाता है। अंदर इन्हें अर्थ जैसा ही एनवायरमेंट मिलता है, इसीलिए ये लोग अपने हेलमेट उतारते हैं और आगे जाके उन्हें सोलर सिस्टम का 3D प्रोजेक्शन मिलता है। करोड़ों साल पहले का, जहाँ पे मार्स धरती की तरह दिख रहा था, पूरा पानी से भरा हुआ था और उसी समय ये जो एलियन स्पीशीज थी वो वहाँ पे रहा करती थी। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड मार्स पे टकराता है, जिसके कारण मार्स का पानी सूखने लगता है और वो पूरी तरीके से अनइनहैबिटेबल प्लैनेट बनता है। तभी वहाँ पे एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर ये सब लोग हैरान हो जाते हैं। आगे इन्हें कहानी से पता चलता है ये जो एलियन स्पीशीज है यानी कि मंगलवासी, वो वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पे अभी कुछ बचा ही नहीं था उनके लिए। वो अपने स्पेसक्राफ्ट से एक नए प्लैनेट की तलाश में अंतरिक्ष में चले जाते हैं। लेकिन उनमें से ही एक शिप धरती पे भेजा जाता है उनके डीएनए सैंपल के साथ, ताकि धरती पर जीवन पनप सके। और इसी तरह 4 अरबों सालों पहले एलियन के डीएनए के कारण धरती पे जीवन पनपने लगा। एलियन का डीएनए विकसित हो जाता है और सबसे पहले सिंगल सेल, उससे मछली, मछली से जानवर, उससे डायनासोर और आखिरी में इंसान बने। इसी तरह एलियन का डीएनए विकसित होते गया। लेकिन धरती का वातावरण मंगल ग्रह से अलग होने के कारण इंसानों का विकास अलग होते गया, ताकि वो धरती के वातावरण से अनुकूल रहे। इसीलिए इंसान आखिरी में उन एलियंस की तरह नहीं दिख रहे थे। इसी का मतलब ये है कि मंगलवासी एलियन इंसानों के पूर्वज हैं और उन्हीं से इंसान बने हैं। जिस एलियन ने डीएनए सैंपल भेजा था ये वही एलियन था। 4 अरबों साल से ये एलियन इधर ही रुका हुआ था, इसी आशा में कि कभी न कभी ऐसा बुद्धिमान क्रिएचर मार्स पे वापस आ जाएगा और उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। इसीलिए एलियन ने एक ऐसी पहेली बनाई थी जिसे बुद्धिमान क्रिएचर ही सॉल्व कर सकता है, यानी कि इंसान वो सॉल्व करते हैं और आज उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में पता लगता है। यहाँ पे इस एलियन का काम अभी पूरा हुआ था, इसीलिए वो अपने नए प्लैनेट में जाने के लिए रवाना होता है, जहाँ पे बाकी के मंगलवासी रह रहे हैं। इनमें से एक इंसान को आने के लिए वो इनवाइट करता है और जिम ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता है। अब वो भी इसी एलियन के साथ रवाना होने वाला था। वो टेरी और ल्यूक को गुड बाय करता है और एक कैप्सूल में बंद हो जाता है और ये जो सफेद चेहरा था उसके अंदर इनकी स्पेस क्राफ्ट थी, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब ये देखते हुए टेरी और ल्यूक भी वहाँ से निकलते हैं। तो दूसरी जगह फील ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे ल्यूक का मैसेज आ जाता है और वो रुक जाता है। सही वक्त पे ये लोग पहुंचते हैं और अर्थ के लिए रवाना होते हैं। तो दूसरी जगह जिम भी इस तूफानी चेहरे से बाहर आता है और उस एलियन के साथ मंगलवासियों के नए ग्रह पे जाने के लिए रवाना होता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।